हेलो दोस्तों, का फिर से स्वागत है आपके चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सीरीज वाइज है, सब आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रिटी प्रिंट डिक्शनरी, मतलब कि हम कैसे डिक्शनरी को अच्छा या नहीं तो अंडरस्टैंडेबल या रीडेबल कैसे बना सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग डिक्शनरीज बनाते हैं तो अगर बाय द वे बहुत बड़ा डिक्शनरी बन गया तो हम कुल लोगों को कन्फ्यूज़ होने लगता है कि इसमें की कौन सा है, वैल्यू कौन सा है और कि कौन सा की कहाँ पे है। हम लोग ये जनरली भूल जाते हैं, यानी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए ना हम लोग डिक्शनरी को अच्छा समझने के लिए, यानी तो अच्छे समझने के लिए, यानी तो पढ़ने के लिए ना अच्छे से पता चल जाए कि ये की है और इसमें कौन कौन सा वैल्यू है। ठीक है, उसके लिए ना हम लोग ना एक सिंटेक्स करते हैं जिससे कि ना हम लोग ना अच्छे से पता लगा सकते हैं कि डिक्शनरी में क्या क्या है और अच्छे समझ सकते हैं अगर बहुत बड़ा डिक्शनरी है तो जान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, वी कैन मेक डिक्शनरी ईजिली रीडेबल एंड प्रेजेंटेबल बाई फॉलोइंग सिंटेक्स। सिंटेक्स हम लोग को लिखना पड़ेगा उसमें। सबसे पहले सिंटेक्स क्या है देख लेते हैं। इम्पोर्ट जेसॉन, मतलब कि हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा जेसॉन। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए आप कोई वेरिएबल लिए, ठीक है, उसमें की वैल्यू पेयर्स ढेर सारे हैं। ठीक, उसमें हम लोग को क्या करना है, जेसॉन डॉट डम्स की डिक्शनरी कॉमा इंडेंट और नंबर। इंडेंट का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इम्पोर्ट जेसॉन। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आइडल पाइथन में, अगर आप आइडियल पाइथन चला रहे हैं यानी तो एनाकोंडा वगैरह चला रहे हैं तो आपको उसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट जेसॉन। ठीक, उसके बाद एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि डिक्शनरी का नेम है और उसमें की वैल्यू पेयर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, आप चाहे जितना ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं या चाहे आप जितना भी ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद प्रिंट, क्योंकि हमको प्रिंट करना है। ठीक, तो अगर आप इंटरेक्टिव मोड में कर रहे हैं तो आपको प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है और स्क्रिप्टिंग मोड में कर रहे हैं तो आपको प्रिंट लिखने की ज़रूरत है। ठीक, सिंपली आप क्या करेंगे, जेसॉन डॉट डम्स। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी का नेम ई है। ठीक है, ई तो डिक्शनरी का नेम कॉमा इंडेंट इक्वल टू 4। अब इंडेंट का मतलब समझिए, यहाँ पे इंडेंट का मतलब होता है, आप एग्जांपल में देख रहे होंगे कर्ली ब्रैकेट के बाद थोड़ा सा जगह है, यहाँ जगह है, जो ये जगह जो होता है ना वो स्पेसेस होते हैं, तो यहाँ 4 स्पेस के ना गैप्स हैं। यहाँ 4 का मतलब हुआ कि 4 स्पेस, मतलब 4 बार स्पेस को प्रेस किया गया है यहाँ पे। अपना कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर लेता है, आप चाहे अगर ज़्यादा नंबर लिखते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसी वजह से 4 है। और रन करा के आप देखेंगे तो देखिए, नेम क्लास और रोल नंबर ये सब की हैं। ठीक है, डिक्शनरी में आप देख सकते हैं नेम क्लास और रोल नंबर वो की हैं और राम 11 और 21 ये सब इसके वैल्यूज़ हैं। तो ये हम लोग इससे आसानी समझ सकते हैं कि की कौन सा है। देखिए, की एक साइड हो गया और वैल्यूज़ एक साइड हो गए, इससे हम लोग आसानी समझ सकते हैं कि डिक्शनरी में कौन कौन से कीज़ हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ हैं। अगर हमको आसानी से पता लगाना हो या किसी को समझाना हो तो हम लोग सिंपली ऐसे करके दिखा सकते हैं कि देख लो भाई डिक्शनरी में ये सब है, इससे हम लोग समझ सकते हैं आसानी से।